नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करने वाले हैं। इसको लेकर जो पटना में काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पटना जंक्शन हो या एयरपोर्ट हो, वहां सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। पटना के सड़कों पर भी कई प्रकार के जो सुरक्षा के लेयर हैं वो बनाए गए हैं। पटना जंक्शन पर जो ट्रेनें हैं वो ठहराव है वो भी कम कर दिया गया है। पटना में होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और पटना जंक्शन पर कुछ बदलाव किए गए हैं। पटना जंक्शन पर आने जाने के लिए करबिगहिया की तरफ से व्यवस्था की गई है। वहीं हनुमान मंदिर के साइड से जो पार्किंग है व्यवस्था नहीं रहेगी, ना ही लोग आ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा पटना जंक्शन पर ठहरने वाली कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है और अतिरिक्त समय पर ट्रेन है जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रुकेगी। कई ट्रेन को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 5 मिनट अधिक देर तक रोका जाएगा ताकि लोगों का परेशानी न बढ़ सके। मोकामा हो या आरा के तरफ से जो आने वाले पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका अतिरिक्त ठहराव राजेंद्र नगर टर्मिनल पर किया गया है। ऐसे में जो पटना के जंक्शन के साइड से जो महावीर मंदिर से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें रोक दी गई है। यहाँ पर पार्किंग के भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जो यात्री हैं वो करबिगहिया के साइड से पटना जंक्शन पर आ सकते हैं। वहीं बात जब हम पटना एयरपोर्ट की करें तो पटेल नगर के तरफ से पटना एयरपोर्ट पर जो लोग हैं वो जा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर 3 लेयर का वो सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सामानों का सघन जाँच किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे, उसको लेकर पटना एयरपोर्ट हो या पटना जंक्शन हो, काफ़ी वहां सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर जो यात्री इनका फ्लाइट है 5 बजे से 7 बजे के बीच में, वो 5:30 तक ही पटना एयरपोर्ट जा सकते हैं। वो भी पटना एयरपोर्ट के जो पूर्वी द्वार है उससे वो जा सकते हैं, पश्चिमी द्वार बंद कर दिया जाएगा। पटेल चौक से जो यात्री हैं वो पटना एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो जब रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ भी पटना जंक्शन पर खासा सुरक्षा का है जो इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे। किसी प्रधानमंत्री का पटना में यह पहला रोड शो है और ऐसे में आज सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पटना जंक्शन हो या पटना एयरपोर्ट हो, प्रधानमंत्री का ये बिहार में पहला रोड शो है। लोकसभा के चुनाव कल 4थे चरण का मतदान होना है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफ़ी मायने रख रहा है कि जो चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने वाले हैं। पूरे बिहार को ये संदेश देने का प्रयास है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार की हवा है वो बदल सी गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।